हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, यार यहाँ पे ना जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आपने भी थंबनेल के ऊपर देखा है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सबसे अच्छे पावर बैंक 500 रुपए से नीचे और 1000 रुपए से नीचे कौन से होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, कहीं भी स्किप करते मत जाइएगा। और यार यहाँ पे मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पे 2 पावर बैंक यूज करता हूँ इन्हीं कंपनी के। और यहाँ पे मैं आपको बहुत से ऐसे पावर बैंक बताऊंगा जो आपको आपकी बजट के अंदर और आपको बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ देंगे और आपके जो फोन है ना उनको बहुत ही रैपिडली चार्ज कर सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले पावर बैंक का नाम जो आ जाता है सिस्का वालों की तरफ से, जो कि है सिस्का का पावर कोर 1000। अब यार यहाँ पे 1000 नहीं, यहाँ पे आप इसको कहेंगे 10000, क्योंकि यहाँ पे आपको 10000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है इसके अंदर। मतलब आप यहाँ पे 10000 mAh तक की जो बैटरी है ना उसको स्टोर कर सकते हैं और बाद में अपने फोन को उसको चार्ज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप अपना फोन बहुत अच्छी से और रैपिडली यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये पावर बैंक है ना, इसकी कीमत जो निकल के आती है 849 रुपीज, और ये आपको अमेजन के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर भी जाएंगे, वहां भी देखने के लिए मिलेगा, पर मैं फ्लिपकार्ट का ये नहीं कह सकता हूँ कि आपको उसमें किस कीमत के ऊपर ये देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, ये जो पावर बैंक है ना, मैं इसको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि यार यहाँ पे आपको एक रैपिडली चार्जिंग की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रैपिडली मैं क्यों बोल रहा हूँ और नॉर्मल की बोल रहा हूँ। तो यार ये जो पावर बैंक है ना, MI वालों की तरफ से आता है पावर बैंक है ये MI का। तो गाइस, इसमें आपका टाइप सी पोर्ट लगता है, मतलब आप टाइप सी पोर्ट से इसको चार्ज कर सकते हैं। और जो दूसरा पावर बैंक है यार, वो आ जाता है यार इंटेक्स वालों की तरफ से। अब इसमें नॉर्मल आपका जो USB पोर्ट होता है वो लगता है, पर यहाँ पे दिक्कत ये है ना, यहाँ पे आपको सिंगल USB पोर्ट देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे आपको ड्यूल देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, ये यहाँ पे रैपिडली चार्ज करता है मेरे सारे फोन को चार्ज, और यहाँ पे ये उतनी ही कम स्पीड से करता है, लेकिन दोनों की कैपेसिटी सेम है। तो गाइस, यहाँ पे मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि यार अगर आपको एक ही फोन चार्ज करना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं सिस्का का। लेकिन अगर आपको अगर धीरे धीरे या धीमे धीमे अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पे इंटेक्स का भी निकल के आता है। तो गाइस, यहाँ पे पहला तो आ जाता है सिस्का वालों की तरफ से। अब जो दूसरा आता है यार, वो MI वालों की तरफ से, सेम यही है, पर इसका जो नया अपग्रेडेड वर्जन है वो आपको देखने को मिलता है, जो इंडिया के अंदर ही यहाँ पे बनाया गया है, जो है MI का 2i। यार ये भी 10000 mAh की बैटरी के साथ आता है, पर जो इसकी कीमत है ना 899 रुपए है, और यहाँ पे आपके साथ एक MI का ब्रांड जुड़ा है, तो ये आपको एक बहुत ही अच्छी डील प्रोवाइड कराता है। आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर भी देखने को मिलेगा और अमेजन के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, अब जो निकल के आता है इंटेक्स का ITB11K, सेम यही है, सेम स्पेसिफिकेशन यही है, आपको 10000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, आपको सेम यही देखने के लिए मिलेगा। मतलब आप कह सकते हैं ये पूरा पावर बैंक सेम है, पर उसका जो डिजाइन है ना वो थोड़ा सा अलग है। आपको वो मिल जाता है 699 रुपए के अंदर, मतलब 699 अमेजन के ऊपर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको मैं यहाँ पे फोटो दिखा दूंगा कि भाई कैसे है ये पावर बैंक, और आपको आपको बेस्ट कीमत में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब जो दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट जो पावर बैंक निकल के आता है ना फ्लिपकार्ट वालों की तरफ से, अब यार जो ये जो पावर बैंक है ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग पावर बैंक है। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पे आपको 499 रुपए के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 10000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है। अब यार यहाँ पे 499 रुपए के अंदर आपको 10000 mAh की बैटरी बहुत काम वाली बात है भाई, आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है वारंटी नहीं मिल रही है, आपको इसमें वारंटी भी देखने के लिए मिलेगी, और आपको बेस्ट प्राइस में अच्छी यहाँ पे पावर बैंक देखने के लिए मिल रहा है। अब जो नेक्स्ट जो पावर बैंक निकल के आता है वो भी यार इंटेक्स वालों की तरफ से ही आता है, यही पावर बैंक है, इसका थोड़ा सा नया वर्जन है, लेकिन अगर आप चाहते हैं वो वाला लेने की, अगर आप वो वाला भी ले सकते हैं, पर सेम कीमत है 699 रुपीज। अब जो नेक्स्ट निकल के आता है वो सिस्का वालों की तरफ से आता है, सिस्का का पावर 100। अब वहाँ पे 10000 था या 1000 था, यहाँ पे है 100। अब आप इसको भी ले सकते हैं क्योंकि यार इसकी जो प्राइस है ना, मतलब आपको प्राइस इस प्राइस के अंदर ये पावर बैंक मिलना बहुत ही मुश्किल है, और ये जैसे ही आता है वैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो वाला पावर बैंक आप ले सकते हैं। सो गाइस, वैसे जो पावर बैंक होते हैं ना, आखिर यहाँ पे आप देखे नहीं कि भाई ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है, लेकिन यार यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, यहाँ पे कैपेसिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप 2000 वाला लेंगे, या अगर आप 10000 वाला लेंगे, 20000 वाला लेंगे, या 15000 वाला लेंगे, मतलब यहाँ पे आपको 15000 वाला अराउंड मिल जाएगा 1400 रुपये का या 1500 रुपये का, 2000 मतलब 20000 mAh वाला मिल जाएगा आपको यहाँ पे, 2000 का या 1500 का आपको इस प्राइस में देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन यार दोस्तों, मैं आपसे
रिकमेंड करता हूँ यार आप 10,000 वाला लीजिए, क्योंकि यार आपको इस टाइम पे यार लाइट की तो इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। अगर जिस जगह पे होती है तो यार उस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए भी हमें लाइट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो गाइस यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ जो MI का 2i मैंने दिखाया था ना, इसका जो अपग्रेडेड वर्जन था वो वाला लीजिए। ये अगर आप एम्ब्रेन का ले सकते हैं, एम्ब्रेन कंपनी भी अच्छी है, लिपगार्ड भी अच्छी है, सिस्का भी अच्छी है और इंटेक्स भी अच्छी है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि बहुत बेकार बेकार कंपनी भी है। पावर बैंक में यार आपकी चॉइस है, आप कौन सा ले सकते हैं। मैंने तो यार आपको बता दिए इतने लिस्ट आपको जो लेने चाहिए। तो बस यार आज के लिए इतना ही, वीडियो फ्रेंड करते हैं। वीडियो पसंद आता है ना वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। नीचे देखिए रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको जरूर से हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन यार आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो बस यार आज के लिए इतना ही, वीडियो फ्रेंड करते हैं, धन्यवाद।